ये कहानी है अजमेर के एक छोटे से गांव की। उस गांव में रहीस नाम का एक आदमी रहता था जो मछलियों को पकड़कर अपने परिवार का पेट भरता था। उसके दो बेटे थे, राहिल और शाहिद। वो बहुत छोटे थे। वो अपने बाबा के साथ अक्सर तालाब के पास जाया करते थे। मछली पकड़ना और उनको देखना उन दोनों बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। रहीस की बीवी एक नेक खातून थी जो 5 वक्त की नमाजी थी और कुरान की तिलावत करती थी, जिससे उसके घर में अल्लाह की रहमत बरसती थी। एक दिन, बाबा हम भी चलेंगे तालाब पर मछली पकड़ने। हाँ हाँ ठीक है, चलना मेरे साथ बच्चों। बेटा तालाब के पास ज्यादा नजदीक ना जाना, आप भी बच्चों की जिद पूरी किया करते हो। मुझे बहुत डर लगता है कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। अरे डरती क्यों हो, तुम्हारी नमाज और कुरान की तिलावत हमारे साथ हमेशा है। हमारे परिवार पर अल्लाह की रहमत है, हमें कुछ नहीं हो सकता उसकी मर्जी के सिवा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं एक माँ हूँ, मुझे हमेशा अपने बच्चों के लिए डर लगता है। अच्छा तो सिर्फ बच्चों के लिए डर लगता है आपको? अरे नहीं, आपके लिए भी लगता है। मैं सब जानता हूँ। जानते हैं तो आप पूछते क्यों हैं? अच्छा जाइए, आप ऐसे ना सताया करें हमें। ठीक है बेगम, मैं जाता हूँ। आपको नहीं सताऊंगा तो क्या पड़ोसी को सताऊंगा? वो तीनों मछली पकड़ने तालाब के किनारे चले जाते हैं। बाबा बाबा, मुझे मछली पकड़ने में बहुत मजा आता है। अच्छा मेरे बच्चों, अम्मी जान का कहना मानो, आप दोनों पीछे होकर खड़े हो जाओ और चुपचाप देखो। कोई शरारत करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मछलियाँ भाग जाएगी। ठीक है बाबा। अरे बीबी सकीना, दरवाजा तो खोलो। ठीक है, आइए जी। आ गए आप दोनों, नन्हे शैतान कहाँ है? वो मेरे पीछे है। अरे आओ, तुम क्यों छुप रहे हो? मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं, चलो अंदर आओ। ठीक है अम्मी जान। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी पीकर तो सारी थकान ही मिट जाती है। ये लो बेगम, इसमें से कुछ मछलियाँ पका लो और कुछ मछलियाँ बाजार में जाकर बेच आऊंगा। वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रहीस मछलियाँ लेकर बाजार में बेचने जाता है। आइए आइए आइए, ताज़ा मछली, जिंदा मछली, हलाल मछली भाइयों, आइए आइए खाइए और अपनी सेहत बनाइए, आइए। अरे भैया ये मुझे भी मछलियाँ दे दो, एक कांटे की है ना? हाँ भैया, एक ही कांटे की है, खाओगे एक बार ले जाओगे बार बार, लग तो ताज़ी रही है। इस तरह रही सारी मछलियाँ बेच आता है शाम को और अपने घर जाता है। आ गया, बिक गई सारी मछलियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बच्चों नमाज पढ़ने। सारे नमाज पढ़ने लगते हैं। नमाज पढ़कर खाना खाते हैं। अगली सुबह रहीस मछलियाँ पकड़ने के लिए फिर से तालाब जाता है। बाबा रुकिए, हम भी चल रहे हैं। हाँ चलो ठीक है। वो तीनों तालाब के पास बैठे होते हैं, मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। काफी देर हो जाती है लेकिन मछली आज एक भी नहीं आती। या मेरे अल्लाह, आज ऐसा क्या हो गया कि आज एक भी मछली हाथ नहीं लगी? रहीस मछली पकड़ने की तलाश में तालाब के बीचों बीच अपनी नाव लेकर पहुँचता है। हाँ यहाँ मछलियाँ ढेर सारी नजर आ रही है, लेकिन बच्चों के साथ यहाँ आना भी तो खतरे से खाली नहीं है। बेटा तुम दोनों रस्सी को ठीक से पकड़े रहना, हम इतने बीचों बीच आज जरूर गए हैं लेकिन मुझे तुम दोनों की चिंता हो रही है। बाबा फिक्र ना करिए, आप मछलियाँ पकड़िए, हम रस्सियाँ पकड़े रहेंगे। इतने में शाहिद राहिल देखते हैं कि तालाब में एक मगरमच्छ उनकी ओर आ रहा है। बाबा देखो क्या आ रहा है। या अल्लाह ये तो मगरमच्छ है, या मेरे मालिक अपना रहम फरमा। रही सारी मछलियाँ छोड़ता है और नाव को किनारे की तरफ जल्दी जल्दी दौड़ाता है। वो तेज तेज चप्पू चलाने लगता है लेकिन मगरमच्छ उसे बहुत नजदीक आ जाता है और नाव को पलट देता है। वो तीनों तालाब में गिर जाते हैं। मेरे बच्चों को संभालो या अपने आप को। बाबा मुझे बचाओ। बाबा मुझे भी बचाओ। बाबा हमें बचा लो, नहीं तो ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। राहिल बहुत तेज चीखता है, बाबा। मगरमच्छ राहिल को निगल जाता है। या अल्लाह ये क्या हो गया मेरे बेटे के साथ, आज मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया। भाई तुम कहाँ हो? या अल्लाह मेरे भाई कहाँ चला गया? अपना रहम फरमा मेरे मालिक बाबा, हम अम्मी जान को क्या जवाब देंगे, उसने अपने बेटे को खो दिया है। बेटा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी अम्मी जान का कैसा सामना कर पाऊंगा और उन्हें कैसे बता पाऊंगा कि उन्होंने अपने बेटे को खो दिया है। रहीस और शाहिद रोते हुए घर पहुंचते हैं। रो रो कर उन दोनों की आंखें लाल हो चुकी थी। वो लोग दरवाजे पर पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। आइए जी, आ गए आप लोग। अरे राहिल आज भी आपके पीछे छुपा है क्या? देखूं तो जरा, राहिल तो नहीं है? कहां गया ये पागल? शाहिद कहां है भाई तुम्हारा? शाहिद कोई जवाब नहीं देता है। बताइए ना आप दोनों, मेरा दिल बैठा जा रहा है। राहिल को कहां छोड़ा है आप लोग? उसे कहीं कुछ हुआ तो नहीं? अल्लाह खैर करे, बताइए जल्दी। शाहिद अम्मी जान के पास जाता है और चिपक
देखकर रोने लगता है। अम्मी जान, आज हमने अपने भाई को खो दिया है। ये क्या कह रहे हो तुम? कैसे खो दिया पता नहीं, वो कितना छोटा है बताओ, उसे कहाँ खोया आप लोगों ने? अम्मी जान, वो खोया नहीं बल्कि इस दुनिया से ही चला गया है। मतलब क्या है तुम्हारा, क्या कह रहे हो तुम? या अल्लाह रहमता फरमा। इतना कहकर उसनारा बेहोश हो जाती है। दोनों उठाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसनारा होश में नहीं आती। पानी छिड़कने के बाद उसनारा को होश आता है। या अल्लाह ये क्या हो गया, मेरा लगता जिगर आज मुझसे जुदा हो गया। अम्मी जान, हमने आपकी नाफरमानी ये हमें उसकी सजा मिली है, हमारा भाई हमसे जुदा हो गया। उस्तारा, इस गुनहगार का भी मैं हिस्सेदार हूँ। मुझे अपने बच्चों को कभी तालाब के पास नहीं ले जाना चाहिए था, लेकिन उनकी मोहब्बत उसने मुझे बेबस कर दिया, जिसकी सजा हमें ये मिल रही है। अब तुम्हारा गुनहगार हूँ। मेरे मालिक, मैंने तेरी नमाज और कुरान की तिलावत रात दिन की है। मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत अता फरमा, जैसे तूने हजरत यूनुस को मछली के पेट में 40 दिन तक जिंदा रखा, वैसे मेरे बच्चे को मगरमच्छ के पेट में हिफाजत अता फरमा। अगर ऐसा ना हुआ तो माँ का दिल टूट जाएगा। या मेरे अल्लाह, अपना रहम फरमा। मेरे मालिक, तू गरीबों की सुनने वाला है, तू चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तेरी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो वो मगरमच्छ चीज ही क्या है। मेरे अल्लाह, मेरे बेटे की हिफाजत अता फरमा। वो सब तीनों अल्लाह ताला से हाथ उठाकर दुआ करने लगते हैं। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगती है और हवाएं तेज चलने लगती हैं। जो मगरमच्छ राहिल को निकले हुए था वो तालाब के किनारे आ जाता है। राहिल अल्लाह से दुआ करती है। या मेरे अल्लाह, तूने मुझे अभी तक बचाए रखा है। लगता है मेरी माँ ने मेरे लिए दुआ करी होगी। मेरी माँ की दुआ और हमारी नमाज हमें और हमारे परिवार को हमेशा बचाए रखती है। इस मगरमच्छ का तो पेट कितना बड़ा है, लगता है कि एक बहुत बड़ा कमरा है। मैं जिंदा सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है। अल्लाह ताला ने अपने हजरत यूनुस को भी मछली के पेट में जिंदा रखा था, वो भी एक अल्लाह के नेक बंदे थे। आज मुझे भी मेरी माँ की दुआ ने मुझे जिंदा रखा है। तेरा लाख लाख शुक्र है ये अल्लाह ताला। मुझे जल्द ही मेरी अम्मी जान के पास पहुँचा दे, क्योंकि वो मेरे गम में बहुत गमगीन होगी। उन्होंने खाना भी नहीं खाया होगा। मुझे पता है अम्मी जान मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगती है और हवाएं चलने लगती हैं। अल्लाह ताला फरिश्ते के जरिए कहलवाते हैं। अल्लाह ताला का फरिश्ता मगरमच्छ के सामने आता है और अपनी चक्की से मगरमच्छ का खोल देता है। फरिश्ता राहिल से कहता है, उठो बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। राहिल बेहोश पड़ा होता है। फरिश्ता उसको रोशनी की ताकत देता है। राहिल होश में आ जाता है। या अल्लाह ताला, ये तो कोई फरिश्ता है, आप फरिश्ते हो ना? हाँ, मैं अल्लाह ताला का एक नेक फरिश्ता हूँ, जो अल्लाह ताला के हुक्म से तुम्हें बचाने आया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तू सब की सुनने वाला है। फरिश्ता राहिल से कहता है, अपने अम्मी जान और अपने बाबा जान का कभी दिल न दुखाना, उनका हमेशा कहना माना और नमाज और कुरान की तिलावत कभी न छोड़ना। नमाज हमारे हुजूर की सुन्नत है। अल्लाह ताला नमाज और कुरान पढ़ने वालों से हमेशा खुश रहते हैं। अगर अल्लाह ताला का नेक बंदा तकलीफ में होता है तो अल्लाह ताला हम फरिश्तों को उनकी हिफाजत करने के लिए भेज देते हैं। ये लो, ये एक जादुई कालीन है, इस पर बैठ जाओ, ये तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा देगी। राहिल अल्लाह ताला का शुक्र कर उसे कालीन पर बैठ जाता है और वो जादुई कालीन आसमान की वादियों से गुजरती हुई सही सलामत उसके घर पहुंचा देती है। जादुई कालीन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम अब जा सकती हो। उस नारा राहिल के गम में रो रही होती है। मेरा लगते जिगर मुझसे जुदा हो गया। कोई दरवाजा खटखटाता है। वो तीनों दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजा खोलते ही राहिल सामने खड़ा होता है। ये देखकर शाहिद बहुत खुश हो जाता है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा भाई मेरे पास वापस आ गया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह, मेरा बच्चा तूने मुझे लौटा दिया। अम्मी जान, मैं भी बहुत रोया हूँ। अम्मी जान, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। वो सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। या अल्लाह ताला, हमें नमाज कुरान पढ़ने की हिदायत और हर एक मुसलमान सच्चा मुसलमान बन जाए, उसको दिन और इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमा।